सब चोर का बेटा चोर, लालू यादव को क्या था, भिखमंगा थे और आज अरबपति खरबपति हो गए, समझ गए, उसी का बेटा नहीं ये है। गरीबों को आवाज दिया लालू यादव, नहीं गरीब को मुड़ी काटे हैं। चिराग चिराग तेजस्वी से अच्छे हैं, किस मामले में अच्छे, किस मामले में, हर मामले में योगी चाहिए, हम लोग का योगी चाहिए, योगी आदित्यनाथ चाहिए, योगी नहीं योगी आदित्यनाथ। हाँ यूपी हालत बहुत रद्दी हो रहा है। कैसे रद्दी हो गया? व्यवस्था देख रहे हैं, भूखा पड़ा है एक शरीफ आदमी, उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है। चलिए घर पर आपको दिखाते हैं, हमारा पोता पोती अगर भूखे नहीं होगा तो आप मेरे चेहरे पर थूक के चले आइएगा, समझ गए। मेरा पोता पोती कल से मेरे घर में हाड़ी नहीं जुटा है, हम किससे मांगेंगे, लगता है कि शरीर कट के गिर जाएगा लेकिन हम मुंह नहीं खुलता है। आते हैं स्टेशन जरूर कुछ मदद मांगने के लिए लेकिन मांग नहीं पाते हैं। बिहार में खाली शराबबंदी और पुलिस को कमाने का धंधा, अब बीएस का धंधा चल रहा है घर घर, हर शरीफ घर के बच्चों को पिला पिला के नशाखोरी कर रहा है और शराबबंदी, और अंदर से कितना तरह का नशा चालू हो गया, इस पर किसी का ध्यान नहीं। हमारा बेटा को मारा गया है, मरा नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसको मरवाया गया है, और समझ गया हमारा घर बिकने पर है, हमारा पोता पोती दो ठो है, बस यही दो ठो मेरा है, एक दो पोती एक पोता, एक वाशिका कुनिष्का मेरा पोती का नाम है, और रुद्र प्रताप कुणाल सिंह मेरा बेटा का पोता का नाम है, समझ गए। ये सब मेरा भूखा रहता है, भूखा ना रहे। घुसखोरी देखिए, घुसखोरी किस में नहीं है, कौन सरकार को आते है कि मेरे यहाँ घुसखोरी नहीं है, बताइए जरा। बिहार में ज्यादा है कि नहीं? नहीं है, नहीं है, नहीं है। जातिवाद से सारा चीज में लगता है, सारा चीज। आप कहाँ दिए हैं? हम दिए हैं, कुछ पैन कार्ड बनाना हो तो उसमें लगता है, विशेष करके मांगा जाता है पैन कार्ड, ये सब में लगता है। हाँ सब चीज में लगता है। नीतीश नीतीश जी उस दिन कहाँ थे? जिस समय हम लोग जेपी आंदोलन में 2 महीना बक्सर जेल में गए, सर्टिफिकेट है इनके पास, यहाँ सेक्रेटरियट में भी गए, कहाँ 2 पैसा मिला? नहीं मिला, नहीं मिला, बिना घुस के वो कलम नहीं चलता है, घुसखोरी नहीं होता है। कौन कहता है? कुमार कहते सुशासन राज्य है, सुशासन राज्य है, झूठ बोलता है। आप आसान पढ़ा लिखा है, आई तो कुछ ना पढ़ा लिखा है अपना पास। अरे तेजस्वी यादव भी फटाक से इंग्लिश बोल लेते हैं। राबड़ी भी पढ़ा नहीं देते, राबड़ी भी तो अब इंग्लिश बोल रहे हैं। राबड़ी देवी भी नहीं पढ़ी हुई थी तो भी मुख्यमंत्री रही, अभी तो अब राबड़ी देवी हमको जमान है चिराग पासवान। कसम भगवान की कर रहे, बजरंग बली की कसम खा करके कल गए थे, कल जा करके 1 घंटा बैठे दोनों ऑफिस में, इसमें भी भाजपा के भी ऑफिस में, दोनों में गए, मिला सुन, बेटा बैंक में मैनेजर, तू तो मेरी बैंक में पीओ, दोनों का एक्सीडेंट हुआ, पुलिस वाले सारा जेवर उतार लिया, 35 लाख का जेवर उतार लिया, पुलिस वाले ऐसा काम किया, बेटा दोनों अंगुली काट करके, अंगुली काट करके हीरा पन्ना का अंगूठी लिया, सोना का चैन लिया, सोना का कड़ा लिया, समझ गए, बेटा से ले लिया मरा हुआ मुर्दा से, और उसके बाद पुतो के एसन सिंह चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार पहले थे, समझ गए, उनकी नतनी विदेश से आ रही थी, वो उठा करके मेरी बहू को ले गया हॉस्पिटल में एडमिट किया, और उसके जो भी खर्च हुआ वो की, उसके बाद हम लोग को सुबह में मालूम हुआ, हम लोग को ले करके गई, 1 लाख रुपया निकाल करके अपने मन से दी, हम ले भी नहीं रहे थे। तेजस्वी से तो अच्छा चिराग है, लेकिन तेजस्वी तो एकदम अच्छा नहीं, दोनों चोर है, आज दोनों चोर है, दोनों में कोई नहीं बने, समझ गया, अदर कोई दूसरा बने। यहाँ मुख्यमंत्री तो अभी नीतीश कुमार दिख ही रहे हैं, लेकिन उसको भी मैं अभी और उतना अच्छा पन नहीं है, वो भी अच्छा नहीं है, तो अच्छा बेस्ट कौन है? अभी कोई आएगा तब न, सम्राट चौधरी आए हैं, सम्राट चौधरी के साथ देखेंगे, उसका हिस्ट्री देख के बताएंगे आपको। अच्छा हिस्ट्री देख के बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्ण है। देखिए बिहार में जब भी मुख्यमंत्री बनने की बारी आती है तो लोग कभी तेजस्वी यादव का नाम लेते हैं, कभी चिराग पासवान का नाम लेते हैं, कभी सम्राट चौधरी का नाम लेते हैं, तो भैया कभी उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम लेते हैं, क्या लगता है तेजस्वी या चिराग? भैया तेजस्वी या चिराग कौन बनेगा मुख्यमंत्री, आपको अच्छा कौन लगता है? अरे इधर इधर देखिए तो सही, अच्छा प्रदेश में रहते हैं। चलो भैया तेजस्वी यादव अच्छे लगते हैं कि चिराग पासवान आपको? दोनों में से कौन से युवा नेता आपको अच्छे लगते? दोनों अच्छे नहीं लगते। दोनों अच्छे नहीं लगते, कौन अच्छा लगता है? दोनों अच्छे ही लगते तो क्या कह रहे, दोनों अच्छे ही नहीं लगते हैं। अच्छा फिर लगता कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री के लिए आप किसे देखते हैं? तो बिहार के मुख्यमंत्री तो अभी नीतीश कुमार दिख ही रहे हैं, लेकिन उसको भी मैं अभी और उतना अच्छा पन नहीं है, वो भी अच्छा नहीं है, तो अच्छा बेस्ट कौन है? अभी कोई आएगा तब न, सम्राट चौधरी आए हैं,
सम्राट चौधरी के साथ देखेंगे, उसका हिस्ट्री देख के बताएंगे आपको। अच्छा हिस्ट्री देख के बताएंगे। अच्छा क्या लगता है भैया, तेजस्वी या चिराग किसे पसंद करेंगे बिहार के लोग? जो अच्छे काम करेंगे इनको पसंद आदमी करेगा, पांच बार देख लेगा। दोनों चोर है आज, दोनों चोर है, दोनों में कोई नहीं बने, समझ गया? अगर कोई दूसरा बने मुख्यमंत्री, इन दोनों में से किसी को नहीं बनना चाहता सामने से, मतलब इन दोनों में से नहीं। ये सब चोर का बेटा चोर। लालू यादव तो क्या था, भिखमंगा थे, और आज अरबपति खरबपति हो गए, समझ गए? उसी का बेटा नहीं ये है। गरीबों को आवाज दिए लालू यादव? नहीं, गरीब को मुड़ी काटे है, समझ गए? मूरी काटे हैं। क्या का, क्या हाँ, और अरे नौकरी के बहाने नौकरी देंगे, रेलवे में रेल मंत्री थे तो, और जमीन ले ले करके नौकरी नहीं दी। अब तो वो भी नौकरी नहीं मिल रहा है। आप छोड़िए ना, नहीं मिल रहा है। मेरी चोएगा तो उसका बाप नौकरी दे, समझ गए? हमरे बच्चा जो है मेरिट पर नौकरी लिया, बैंक में मैनेजर बना, समझ गए? बेटी डॉक्टर हुई। अच्छा तेजस्वी और चिराग दोनों अच्छे नहीं है? एकदम दोनों अच्छे नहीं है। तेजस्वी से तो अच्छा चिराग है, लेकिन तेजस्वी तो एकदम अच्छा नहीं है। कह रहे हैं कि रोजगार देंगे युवा है वो, बापो तो उसका बहुत कुछ बोलता था। क्या किया लोग के टीटा घर वाले को कहा कि तुम मकान दे दो, नहीं तो तुम बिहार छोड़ दो। कहा कि जब तक तुम्हारी मिनिस्ट्री रहेगी तब तक हम नहीं रहेंगे बिहार में, जिस दिन तुम्हारी मिनिस्ट्री गिरेगी उसी दिन हम बिहार में आएंगे। गिरा हुआ आया है, अरे तुमसे तो हड़प लिया था मकान। तेजस्वी को तमाम लोग पसंद करते, अकेले 80 प्लस सीट लाए विधानसभा में। नहीं, हम लोग एकदम चोर के बेटा चोर, हम चोरे समझ। लालू जी को भी चोर कहा? हाँ जी, कहा है। क्या कह रहे भैया? सब चोरे। अरे आप लोगों के लिए आवाज उठाए, कह रहे गरीबों की आवाज बने हैं लालू जी। क्या करिए, गरीब कुछ कर सकता है? गरीब भूखे मर रहा है तो कोई कर रहा है? नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। तेजस्वी यादव आपके नहीं कर रहा है? नहीं, कुछ नहीं। क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। कह रहे दलितों के नेता है, गरीबों के नेता रह रहा है। अच्छा अम्बेडकर जयंती था तो सब कहे कि दलितों को ये कर दिए वो कर दिए। अम्बेडकर जयंती में हम गए थे, अम्बेडकर जयंती में अपना मुसीबत ले करके गए थे कि कुछ मदद मिलेगा। कसम भगवान की कह रहे बजरंगबली की कसम खा करके कल गए थे, कल जा करके एक घंटा बैठे दोनों ऑफिस में, इसमें भी भाजपा के भी ऑफिस में, दोनों में गए, मिला सुन कुछ नहीं, मदद नहीं मिला, कुछ नहीं। क्यों नहीं मिला? उसके पास है ये नहीं, अपने बिकवंडा है, वो अपने चोर है, दूसरा को कहां से देगा। अच्छा क्या लगता है चाचा आपको, तेजस्वी यादव या चिराग पासवान? अभी हमसे क्यों ले रहे हैं इंटरव्यू? ये तो जग जाहिर है, जनता सब जान रही है कि कौन। आप भी जनता है, हाँ, कौन योग्य है कौन अयोग्य है, कौन योग्य है कौन अयोग्य है, दोनों में कोई नहीं। अयोग्य तो दोनों है, लेकिन उससे सुपीरियर है ये कौन? चिराग। चिराग तेजस्वी से अच्छे हैं? हाँ। किस मामले में अच्छे हैं? किस मामले में? हर मामले में ठीक किया था, मगर कुछ बाप भी ठीक किया था। किसका बाप ठीक किया था? चिराग पासवान का। क्या ठीक किए थे? जनता का देखे थे, कुछ ही देखे। लालू जी नहीं देखे थे? लालू जी क्या भूखा देखे थे? रोड पर बेचो 50 रुपया लाभो, रंगदारी लाभो, रंगदारी लेते थे। जंगल राज, कोई माँ बहन रोड पर नहीं निकलता था, समझ गए? पढ़ा लिखा है, आई थे कुछ नहीं पढ़ा लिखा है अपना पास। अरे तेजस्वी यादव भी फटाक से इंग्लिश बोल लेते हैं। राबड़ी भी पढ़ल नहीं थे, राबड़ी भी तो अभी इंग्लिश बोल रहे हैं। राबड़ी देवी भी नहीं पढ़ी हुई थी तो वो भी मुख्यमंत्री रही तो अब राबड़ी देवी। हमको तो मन है चिराग पासवान, आपका मन है चिराग पासवान, उन्हीं को वोट करेंगे, दूसरा कोई नहीं? नहीं, चिराग पासवान बहुत अच्छा है, चिराग पासवान के लिए हम लोग कुछ अस्तर है, उठेगा तो हम लोग जरूर मदद करेंगे, जरूर देंगे, जनता जरूर देगा उसको, चिराग को। चिराग को आप लोग मनालू को बेटा को नहीं देगा, बेटा को नहीं करेंगे? नहीं, 3 लाख वोट है, सर्विस है, टीचर में है तो उसी में है, हम लोग का बाल बच्चे भूखे मर रहा साला के, इधर उधर जोक भी खोज रहे 10,000 के जोक। भूखा गरीब नहीं होता है, हम खुद गरीब हैं, गरीब थे तब ना मदद मांगने गए थे कल, मिला क्या कटर? कौन सी मदद मांगने गए? मदद मांगने गए थे कि एक बेटा, एक पुतो, बेटा बैंक में मैनेजर, पुतो मेरी बैंक में पीओ, दोनों का एक्सीडेंट हुआ, पुलिस वाले सारा जेवर उतार लिया, 35 लाख का जेवर उतार लिया, पुलिस वाले ऐसा काम किया, बेटा दोनों अंगुरी काट करके, अंगुरी काट करके हीरा पन्ना का अंगूठी लिया, सोना का चैन लिया, सोना का कड़ा लिया, समझ गए? बेटा से ले लिया, मरा हुआ मुर्दा से,
और उसके बाद पुतों के एसेंशियल चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार पहले थे, समझ गए, उनकी नतनी विदेश से आ रही थी, वो उठा करके मेरी बहू को ले गया हॉस्पिटल में एडमिट किया और उसके जो भी खर्च हुआ वो की। उसके बाद हम लोग को सुबह में मालूम हुआ, हम लोग को ले करके गई, 1,00,000 रुपया निकाल करके अपने मन से दी, हम ले भी नहीं रहे थे, समझ गए। उसके बाद जबरदस्ती की, अंकल तुम रख लो, जब हम आएंगे तो तुम हमको 1,00,000 रुपया वापस कर देना, तुम इसको रखो अभी पैसे की तुमको जरूरत है, समझ गए। हम लिए, उसके बाद ये लेकर के हम गए, हमारा जब बाल बच्चा भूखे मर रहा था तो हम गए इन लोग नेता से मिलने के लिए, कुछ नहीं मिला डियर, कुछ नहीं मिला, रो करके भूखा प्यासा आए। अभी तक तुम विश्वास नहीं करोगे, एक कप चाय नहीं पिए हैं मेरे लाल, लेकिन हम भय बरेगा ना, लेकिन अब पुतों के, अब पत्नी के बचाने में मेरा सारा प्रॉपर्टी बिका गया, अब घर से हम बेघर हो गए, अब फुटपाथ पर तो हो तो गए गरीब, तो गरीब हो गए, तो अब नेता के पास न जाने, नेता कोई सुनने वाला है नहीं, कोई नेता मंत्री नहीं सुन रहा, नहीं कोई नहीं, जोगी ऐसा शासन चाहिए, यहाँ चाहिए योगी, चाहिए जोगी, हाँ जोगी चाहिए, हम लोग का योगी चाहिए, योगी आदित्यनाथ चाहिए, योगी नहीं, योगी आदित्यनाथ, हाँ यूपी हालत बहुत वृद्धि हो रहा है, कैसे वृद्धि हो गया, व्यवस्था देख रहे हैं, भूखा पड़ा है एक शरीफ आदमी, उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है, समाज पर ध्यान नहीं है, योगी राज में भी ऐसा नहीं है, किसी से मुंह खुलता नहीं है, किसी से कह नहीं सकते हैं कि 150 की मदद करो, हम तो भूखे हैं तो हैं, हम तो बूढ़ा आदमी है मरने के तुल में है, समझ गए, साक्षी चलिए घर पर आपको दिखाते हैं, हमारा पोता पोती अगर भूखे नहीं होगा तो आप मेरे चेहरे पर थूक के चले आइएगा, समझ गए, मेरा पोता पोती कल से मेरे घर में हाड़ी नहीं जुटा है, हम किससे मांगेंगे, लगता है कि शरीर कट के गिर जाएगा लेकिन हम मुंह नहीं खुलता है, आते हैं स्टेशन जरूर कुछ मदद मांगने के लिए लेकिन मांग नहीं पाते हैं, आते हैं खाली खाली जाते हैं, प्यास लगा हुआ है, बाहर का पानी पीते नहीं है, नहीं पी रहे हैं, समझ गए, पैसा नहीं है कि किन करके पिए, किन करके पिए, किन करके नहीं पी रहे हैं, प्यास लगा हुआ है, लग रहा है कि झाई आ जाएगा, गिर जाएंगे, लेकिन मैं आपको पानी पिलाऊंगा, हाँ ठीक है, क्या चाहिए बोलिए मैं दूंगा, आप करेंगे इनकी मदद, जी हाँ, एक शरीफ आदमी, एक शरीफ आदमी का मदद करेगा, बिहार में खाली शराबबंदी और पुलिस को कमाने का धंधा, अब बीएस का धंधा चल रहा है घर घर, हर शरीफ घर के बच्चों को पिला पिला के नशाखोरी कर रहा और शराबबंदी, और अंदर से कितना तरह का नशा चालू हो गया, इस पर किसी का ध्यान नहीं, उसके बाद वहाँ से छूटे हैं तो वही कोतवाली, वही कोतवाली मेरा थाना था, मेरा बेटा जहाँ एक्सीडेंट किया है हाईकोर्ट मोड़ पे, हर पेपर में निकला है, फर्स्ट हेडिंग पेज पर था कुणाल सिंह और रेणुका देवी, एक्सीडेंट हुआ और सारा जेवर उतर गया, सारा सामान उतर गया, हम भिखमंगा हो गए, उन लोग के बचाने में हमारा 65,00,000 रुपया खर्च हो गया, उसके बाद भी नहीं बची, चल गई दुनिया से, आज घर द्वार सब बिका गया, मेरे बाल बच्चे फुटपाथ पर हैं, हम भूखा रहते हैं, हम भीख मांगते हैं, इन्होंने अच्छे आदमी को देखते हैं, देख करके 150 लेते हैं और वही लेकर के जाते हैं, पाव रोटी या बिस्कुट लेकर के जाते हैं, वही खा करके मेरे बच्चे रहते हैं, हम जानते नहीं है, इनकी दुख को सुन के खड़ा हो गए, बिहार के अंदर जितना क्राइम हो रहा है, अफसर क्लास के लोग क्राइम कर रहे हैं, पुलिस वाले क्राइम कर क्लास के लोग कर रहे हैं, हाँ बीएस का धंधा चल रहा है घरे घर और शराबबंदी का नारा है, लोग बर्बाद हो गए हैं ये बिहार के अंदर, अच्छा आप इनकी क्या मदद करें, ये जो मदद एक इंसानियत के नाते हम देख रहे हैं कि ये रो रहे हैं तो हम खड़ा होकर इनके आंसू पोंछ रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, एक पब्लिक है, पानी क्या करेंगे, कमाने वाले आदमी है क्या करेंगे, समझ गए, 100-200 का मदद करेंगे उससे मेरा जिंदगी थोड़ी कट जाएगा, समझ गए, और क्या मदद करेंगे हमको, ये हम अपने ऐसा इनको भी समझते हैं, आप क्या चाहते हैं सरकार आपके लिए क्या कुछ करे, हमारे सरकार की हमको न्याय चाहिए, हमारा बेटा को मारा गया है, मरा नहीं है, एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उसको मरवाया गया है, और समझ गए हमारा घर बिकने पर है, हमारा पोता पोती दो ठो है, बस यही दो ठो मेरा है, एक दो पोती एक पोता, एक वाशिका कुनिष्का मेरा पोती का नाम है, और रुद्र प्रताप कुणाल सिंह मेरा बेटा का पोता का नाम है, समझ गए, ये सब मेरा भूखा रहता है, भूखा ना रहे, बस हमारा 84 साल उम्र है, हम कमाने लायक है नहीं, राशन नहीं मिलता है, नहीं कुछ नहीं मिलता, कार्ड तो है ये नहीं है, राशन कार्ड के लिए साला 1,000-1,000 रुपया मांगता है, कौन 1,000 रुपया मांगता है, मांगता है जो कार्ड बनाने वाला है वो मांगता है, उसको ही लेता है,
बिहार में घुसखोरी चलता है खूब घरे घर। यहाँ बताते हैं, यहाँ वृद्धा पेंशन बनवाने के लिए गए हैं, 1500 रुपया पहले लिया है, अभी एक महीना हो गया, वार्ड काउंसलर लिया है, उसके हाथ में दिए हैं और वो अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं बना है। पैसा दिए, घूस दिए, फिर भी नहीं बना, नहीं बना है, अभी तक नहीं बना है। नीतीश कुमार तो कहते हैं कोई भी कर्मचारी घूस नहीं लेते। नहीं, गलत बात है, नीतीश क्या कहते हैं, नीतीश कहते हैं नीतीश से लेते हैं। क्या कर, आपका घर कहाँ पड़ेगा? लोहानीपुर है सर। लोहानीपुर, आप इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले हम फैशन डिजाइनर थे। फैशन डिजाइनर थे, तनखा था सूरत। आप वृद्धा पेंशन की क्यों आश करते हैं? इसलिए आश करते हैं कि हमारा बेटा एक ही को था, ICICI बैंक में मैनेजर था। पहले सुन लीजिए, मेरा बेटा मेरा मर गया, पुतोह मेरा डैमेज हो गई, उसका पूरा ब्रेन चूर हो गया था, बैक बोन रीढ़ का हड्डी टूट गया था, दाहिना हाथ खत्म हो गया था। जीवित थी, जीवित है तो सांस है तो आस है, तो तीन गो बच्चे थे उसको, आखिर कौन संभालेगा तीन गो बच्चे को? हम बुरा आदमी तो संभाल नहीं सकेंगे, हम भी यहाँ रहते नहीं थे, नौकरी करते थे। अब इतना लाकर बताइए, आप खुद कह रहे हैं कि फला जगह जा रहे हैं, बताते हैं पहले बात सुनिएगा तब ना। पेंशन की बात कर रहे हैं ना, सुनिए, वृद्धा पेंशन की बात कर रहे हैं, वृद्धा पेंशन किसको मिलना चाहिए इससे पहले आप राय कीजिए। वृद्धा मिलना चाहिए उस पर बात कीजिए, आप अपना क्यों करते हैं? आप लोग इतना चैन लगाए हैं गले में, हाथ में अंगूठी है, जो गरीब व्यक्ति के लिए है, आपके लिए वृद्धा पेंशन है? आपके लिए बिना पैसा गरीब नहीं है, गरीब है नहीं, आप गरीब है, आप भी बनवा रहे हैं, प्रमाण दीजिए, प्रमाण दे दिए, नहीं जो जो प्रमाण प्रमाण दिए होते हैं ऐसा बात नहीं होता कि आपका नहीं बनेगा। प्रमाण लेके आप बात है, बात खत्म कीजिए ना, चाहिए बस देखिए, जब सच्चाई बात, सच्चाई बात क्या, सच्चाई बात आई कि उन्होंने ये गर्म हो गए हैं, सरकार को दोष दे रहे हैं कि सरकार में वृद्धा पेंशन नहीं बना रही है। अरे वृद्धा पेंशन का जो तौर तरीका है, जो फुलफिल है, उसको फुलफिल करें, नहीं मिलेगा तो जो जो कहे सो सरकार लायक रहेंगे तब ना। अब ये 2 लाख का संपत्ति गले में अटकाए हुए है, हाथ में अटकाए हुआ है, गरीब के लिए है कि नहीं? आई सरकार बहुत अच्छी चल रही है, इनके आरोप लगाने से धूमिल नहीं सरकार हो सकती। हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छी चल रही है, आप माला लेकर के पहनाइए उनको, जाइए पढ़ाइए, आपको बहुत, इसलिए ऐसी बात नहीं है। अभी घुसखोरी होता है कि नहीं बिहार? हाँ घुसखोरी, देखिए घुसखोरी किस में नहीं है, कौन सरकार को आदेश कि मेरे यहाँ घुसखोरी नहीं है, बताइए जरा। बिहार में ज्यादा है कि नहीं? नहीं है, नहीं है, नहीं है, कहीं घुस नहीं लगता है? घुस देखिए, घुस देखिए, जो देने वाला है यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए घुस लगता है, जन्म प्रमाण पत्र के लिए घुस लगता है। मैं बताता हूँ, लोग अपनी काम कराने के लिए 600 रुपया दीजिए तब मृत्यु प्रमाण पत्र मिलेगा। खुद लोग अपनी काम को जल्दी कीजिए भैया, जल्दी कीजिए। क्या मैं पूछता हूँ, वो भी आदमी है, कर्मचारी भी तो आदमी है, क्या उसके पास और लोगों की लाइन नहीं लगी है? और लोगों की तो ताता लगी है, तो वो बारी बारी सब कुछ ऑनलाइन होने के बाद भी इतना लाइन क्यों लगा रहे? देखिए वही तो बता रहे हैं, वही तो आदमी है, वही तो अपने काम जो कितना समय मिलता है उतना ना करेगा, और उसमें आप उसका चढ़ौती करते हैं कि भैया ये पैसा ले लो जल्दी से कर दो, मेरा पैसा ले लो जल्दी से कर दो। क्यों लोग देते हैं तब ले, जबरदस्ती आप छूसेगा तो कौन नहीं लेगा भाई, किसको राम नहीं भाता? घुसखोरी होता है कि नहीं बिहार? घुसखोरी होता है, आप जबरदस्ती देने जाते हैं घुस? ना ना, घुसखोरी है, आप जाइए थाना, पैसा फालतू है पॉकेट में निकाल के आपको डाल देते हैं, समझ गए? घुस थोड़ी लेता है, आप कोई केस लेके जाइए थाना में, बिना माननीय के, चाहे बड़े पदाधिकारी के, जब तक फोन नहीं जाएगा वो केस नहीं लेगा, चाहे आपका किसी का हत्या नहीं हो, हत्या होगा वो तक केस दर्ज नहीं करे, हत्या का केस दर्ज नहीं करे, नहीं करेगा जब तक पैसा नहीं लेगा, चाहे ऊपर का माननीय के दबाव नहीं होगा। अच्छा घुसखोरी होता है कि नहीं होता है? नहीं होता, होवे करता हुआ घुसखोरी होता है, आप कह दिए हैं नहीं, घुसखोरी होता है कि नहीं होता? अरे हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल होता है। कभी दिए हैं? हाँ बिल्कुल लेता है। कहाँ दिए? जाति वासे सारा चीज में लगता है, सारा चीज। आप कहाँ दिए हैं? हम दिए हैं, कुछ पैन कार्ड बनाना हो तो उसमें लगता है, विशेष करके मांगा जाता है, पैन कार्ड ये सब में लगता है? हाँ सब चीज में लगता है। अच्छा घुसखोरी होता है कि नहीं भाई? नहीं भाई, हम तो कहीं नहीं दिए हैं घुसखोरी, नहीं हुआ है, कहीं नहीं हम दिए। अच्छा घुसखोरी होता है बाबा? अरे अरे आप ऐसे भागिएगा, बताइए घुसखोरी होता है कि नहीं होता है? बहुत थमा होता रहता है। कहाँ कहाँ होता है? सभी। चलिए और भी लोगों से जानते हैं, क्या कह रहे हैं चाचा, बहुत देर से आप कुछ कह रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं कि ये लोग नीतीश जी उस दम कहा थे जिस समय हम लोग जेपी आंदोलन में 2 महीना बक्सर जेल में गए, सर्टिफिकेट है इनके पास, यहाँ सेक्रेटरियट में भी गए, कहा 2 पैसा मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। मिलने का कोई योजना था? हाँ मिलना था,
ग्यारह सौ किया था जेपी आंदोलन में फुलवारी में हम ही थे। अरे हम जो हमारे मोहल्ला के थे, जयप्रकाश नारायण हमारे घर के बगल के थे, चार घर के बाद बिहान हम उस सर्टिफिकेट के भी अर्थात जो निकाले थे नीतीश कहीं थे कि 2025 देंगे, जब ही हुए तब उससे पहले बराबरी से भी 1100 रुपया कही थी, कुछ नहीं मिला, एक नया पैसा नहीं। अच्छा घुसखोरी होता है कि नहीं बिहार में? अरे हाई देखा बिना घुस के वो कलम नहीं चलता है, घुसखोरी नहीं होता है। कौन कहता है कुमार कहते सुशासन राज्य है? सुशासन राज्य झूठ बोलता है सुशासन। इसके जैसा भ्रष्ट राज तो किसी को नहीं चला। नीतीश कुमार भ्रष्ट है? है कैसे? और भाई देखिए उसके आमने सामने हम ले गए सर्टिफिकेट जनता दरबार में। हाँ जनता दरबार में भी क्या किया? नहीं किए, कुछ नहीं किया। तुरंत डीजीपी को फोन लगा देते हैं? है तुरंत डीजीपी को फोन लगा देते हैं मुख्यमंत्री? लगा दीजिए उससे हमको कहा हम ऐसे काम करते हैं रेलवे ही के ठेकेदार के कल कहिएगा हम पूरा प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट वगैरह सब ले आके दिखाएंगे। लेकिन घुसखोरी होता है बिहार में? हाँ देखा तो 50 बार कहे कौन ऐसा टेबल है जहाँ बिना घुस के कोई काम होता है? अच्छा घुसखोरी होता है कि नहीं आप लोग? एक मिनट श्रीमान जब इस बात को बोले आपको हम न्याय नहीं तो सजा मांगे हैं और डीजीपी और मुख्यमंत्री के यहाँ 14 से केस है समझे ना, लेकिन नहीं न्याय मिला नहीं सजा मिला। अब साइबर वाला को क्राइम कोई सही थाना मदद करता है, अब निट्रोल है जो न्याय नहीं मिला तो सजा क्या मिलेगा है? तो ऐसे देखिए जे 3 बार हमको हत्या कराया डीएसपी हत्या करके रो थाना समझे ना, 3 बार साजिश किया। घुसखोरी होता है कि नहीं? घुसखोरी तो घर बैठले होता है घुसखोरी। कहाँ कहाँ घुस देना पड़ा है आपको? ब्लॉक में लेता है जहाँ आधा इंदिरा आवास में रुपया आधा इंदिरा आवास में जो 45,000 आता है फर्स्ट किस्त में तो 10,000 वही ले लेता है। 45 में से 10,000 ले लेता है। कहिए प्रूफ हम अपने दे रहे हैं, हम अपने दे रहे हैं प्रूफ दे रहे हैं। शिकायत का नहीं करते? शिकायत तो इतना कागज रख ले हैं जब शिकायत किसके पास? मुख्यमंत्री सुनिए किसके पास करें? मुख्यमंत्री के पास करें, कुछ सुनने वाला नहीं है। शुरू लोक शिकायत निवारण जो हुआ था 2016 में फर्स्ट कागज दिए थे हम यहाँ पटना में, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। डोलते रह गए, इतना कागज पड़िएगा तो दिमाग चक्रभाज होगा। मुख्यमंत्री क्या लगता है भैया घुसखोरी होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है सर। कहाँ कहाँ होता है? पूरे बिहार में हो रहा है, छुट्टे हो रहा है, पूरे आप हो रहा है। आपको कहीं देना पड़ा? बहुत जगह देना पड़ा था हमें, जैसे में आप कॉलेज से लेकर के शिक्षा तक सब जगह घुसखोरी है। सब जगह कितना रुपया देते हैं घुस? घुस देने के अब मास्टर को जहाँ पढ़ाने का है सर जहाँ 500 लग रहा है 1,000 रुपया दीजिए, औकात के अनुसार घुस देना पड़ता है। कुछ नहीं अभी बिना कुछ नहीं हो रहा। अरे अभी जितना घुसखोरी गरीबों के दुख देने वाला इस सब सरकार है, गरीब को कोई सुनने वाला नहीं है। अगर वो कहे हमारे सामने चलिए आपके साथ हम चलते हैं, उसका मुंह पर कह देंगे। हाँ कोई सरकार गरीब को नहीं सुनता है। चलिए ठीक है, आपने देखा कि घुसखोरी के मुद्दे पे बिहार की जनता क्या कुछ राय रख रही है। आप भी अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। धन्यवाद।